अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड में से वेपर प्रेशर. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. सपोज कि ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्पेसेस की वजह से वो हर टाइम मूव कर रहे होते हैं. थोड़ी बहुत उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है सबके पास, और वो वाले मॉलिक्यूल जो कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही होती हैं. और वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं. और अगर हम इस कंटेनर को क्लोज कर दें और हीट देना स्टार्ट करें तो इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस पे जमा होना शुरू हो जाते हैं. जब स्टार्ट करते हैं हम प्रोसीजर तो तब सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन हो रही होती है और जो वेपर्स हैं वेपर्स वापस लिक्विड में कम कन्वर्ट हो रहे होते हैं क्योंकि अभी वेपर्स जब बन आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स बनना का रेट इंक्रीज होता जाएगा. जब काफी सारे वेपर्स बन जाएंगे तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स में. इनिशियली जस्ट इवेपोरेशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स भी कन्वर्ट होना लगते हैं लिक्विड में. इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. पहले लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रही, इवेपोरेशन हो रही और फिर वही वेपर्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में. और एक ऐसा स्टेज आता है जितने वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतना ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. लिक्विड और वेपर्स दोनों इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होते हैं. तब जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, यानी कि जितना प्रेशर लिक्विड लगा रहा है उतना ही वेपर्स लगा रहे हैं. वेपर्स का प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. सपोज इस कंटेनर में दिखाया गया स्टार्ट में सिर्फ इवेपोरेशन हो रही है और फिर क्या होगा, आहिस्ता 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 कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी. यहाँ पे जस्ट दो मॉलिक्यूल्स आपको वापस आते हुए यानी कि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं. और अगर आप इधर देखें तो जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 तीन मॉलिक्यूल्स यानी कि लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और तीन ही लिक्विड वेपर के मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं. जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाए उस फेज पे जो लगने वाला प्रेशर है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. उसके बाद पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लॉन्ग में कि वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो आप जस्ट उनके नाम लिखेंगे, लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको एक्सप्लेन भी करना है. फर्स्ट वन है नेचर ऑफ द लिक्विड. लिक्विड दो तरह का होता है, एक पोलर और एक नॉन पोलर. पोलर में पोल्स होते हैं, मीन फॉर एग्जाम्पल एच और सी एल है. एच सी एल में एच पे पार्शियल पॉजिटिव है, सी एल पे पार्शियल नेगेटिव है. एक पार्शियल पॉजिटिव है दूसरा पार्शियल नेगेटिव है, ऑपोजिटली चार्जेस हैं पोल्स हैं. तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनमें प्रेजेंट होती हैं. पोलर मॉलिक्यूल में पोल्स की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और नॉन पोलर में वीक होती हैं. अब एक साइड में हमारे पास एच सी एल और दूसरी तरफ है हमारे पास ब्रोमीन. ब्रोमीन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वीक, जल्दी से इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और कंडेंसेशन भी उतनी स्पीडीली होगी. इट मींस के वेपर प्रेशर हाई होगा. दूसरी तरफ अगर HCl की बात करें तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा, जल्दी ना ही तो इवेपोरेशन होगी और ना ही जल्दी कंडेंसेशन होगी. स्लो हो रहा है दोनों प्रोसेस, वेपर प्रेशर भी कम हुआ. सो हम कहते हैं कि पोलर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है जबकि नॉन पोलर का वेपर प्रेशर हायर होता है. अगर हम एग्जांपल करें कि वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है, क्यों, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, इसीलिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी हायर होता है.
उसके बाद है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, इवेपोरेट जल्दी होंगे तो कंडेंस भी जल्दी होंगे, वेपर प्रेशर हाई होगा। जबकि अगर लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होंगे इवेपोरेशन भी स्लो होगी, इवेपोरेशन स्लो होगी तो वेपर प्रेशर भी जाहिरी सी बात है उनका कम होगा। एग्जाम्पल आप मेंशन करेंगे हेक्सेन की और डिकेन की। हेक्सा सिक्स को बोलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। हेक्सेन, हेक्स मीन सिक्स, कार्बन सिक्स है और एन का मतलब है जितने जितने कार्बन है उनके डबल प्लस टू हाइड्रोजन है। तो कार्बन में एन नंबर सिक्स है और हाइड्रोजन में होगा टू मल्टीप्लाई बाय सिक्स प्लस टू, बन जाएगा 14। हेक्सेन का फॉर्मूला हुआ 14 और डिकेन डेका, डेका मीन 10 और एन ग्रुप का नाम है जिसका मतलब है जितने कार्बन होंगे उससे डबल प्लस टू हाइड्रोजन होते हैं। ये बनेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 प्लस 2 22 हाइड्रोजन होंगे। अगेन साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के, अगर साइज कम होगा इवेपोरेशन हाई होगी, इवेपोरेशन हाई होगी तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। उसके बाद है टेम्परेचर, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जाहिर सी बात है जितना हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी इवेपोरेशन का रेट हाई होगा। क्यों इवेपोरेशन का रेट हाई होगा? क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम टेम्परेचर देते हैं मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो स्पीडली मूव करते हैं और जितना वो स्पीडली मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं उतना ही जल्दी वो इवेपोरेट होते हैं, और जब इवेपोरेशन हाई है कंडेंसेशन भी हाई होगी तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। उसके बाद जो आपको टेबल दिया गया है वेपर प्रेशर यानी कि जीरो डिग्री पे कितना है, ये वाटर की बात हो रही है, वाटर का जीरो डिग्री पे वेपर प्रेशर है 4.58, 20 डिग्री पे 17.5 है। देखें जीरो से जब हमने उसको 20 डिग्री तक हीट किया तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, और अगर हमने 40 तक उसको हीट किया तो 55.5 वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। सो आपको ये जो टेबल दिया गया है इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, हायर द टेम्परेचर हायर द वेपर प्रेशर। तो ये एमसीक्यू में बड़ी दफ़ा पूछे गए हैं इनमें से एमसीक्यू, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।